ये हमारे पास है TVS की अपाची RTR 160। और इस बाइक में प्रॉब्लम क्या था कि जब भी हम 20, 25 या 30 के रफ्तार में चलते हैं तो ये हल्का मिसिंग की प्रॉब्लम यानी कि रेस छोड़ता है, अप डाउन करके चल रही है। तो इसी के साथ हमने इसका कार्बोरेटर को पूरा ओपन किया है और हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है और कार्बोरेटर के अंदर हमें क्या क्या पार्ट्स ऐसे चेक करना है और कहां से इसे सॉल्व करना है। तो जब भी हम कार्बोरेटर अगर खोलते हैं तो उसके अंदर हम जेट वगैरह हर एक चीज़ खोल के किस तरीके से साफ़ करें। तो यहां पे हमने पूरा बाहर निकाला है, ये हमारा स्लाइड है देख सकते हैं आप, जो कि यहाँ पर आप कचरा देख सकते हैं और ये स्लाइड पिन में भी मतलब धूल जम जाता है। काफ़ी दिन हो जाने के बाद इसमें कचरा आने के कारण से इस तरीके से प्रॉब्लम करता है। तेल हमारा पेट्रोल जो होता है वो सही से अंदर पास नहीं देता है और इस तरीके से प्रॉब्लम करता है। और अगर कभी भी आप कार्बोरेटर को क्लीन करते हैं, एक तो हमारा ये मैन जेट सोलो जेट दोनों जेट को बाहर निकालें और इसी के साथ साथ जो हमारा मिक्सचर स्क्रूप होता है एयर स्क्रूप ये वाला, तो इसे भी हमें बाहर निकाल के हमें इसे भी क्लीन करना है और एक तार की मदद से इसे हम अच्छी तरीके से अंदर डाल के हम साफ़ करेंगे। तो कभी भी अगर आप कार्बोरेटर को साफ़ करते हैं तो इस तरीके से सफाई करें। हालांकि ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ स्लाइड निकाला या फ्लूड पिन निकाला और जेट वगैरह खोल के हवा मार दिया और हमारा काम हो गया, तो उस तरीके से हमें नहीं करना है। जब भी आपको करना है तो हमारा मिक्सचर स्क्रूप खोले, मैन जेट सोलो जेट और स्लाइड फ्लूड पिन इन सभी चीज़ों को खोले और एक तार की मदद से इसे अच्छी तरीके से क्लीन करें ताकि इसका जितना भी सुराख जाम है वो सारा जाम एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम इसे फटाफट से करते हैं साफ और फिर दिखाते हैं आपको। तो इन सभी पार्ट्स को हमने अच्छी तरीके से साफ़ किया, अब इसे हम सेट करेंगे और आपको दिखाएंगे ट्यूनिंग इसका किस तरीके से करना है। तो ये हमारा मिक्सचर स्क्रूप होता है जिसके ज़रिए से हमारा पेट्रोल यानी कि एयर कम बेस होता है और इसी के ज़रिए से हमारा पेट्रोल कम ज़्यादा होता है। तो चलिए अब हम इसे फिट करते हैं और हम दिखाएँगे कितना चूड़ी गैप पर इसे रखना है। साफ़ किया, एक तो ये हमारा मिक्सचर स्क्रूप हमने खोला और दूसरा ये जो चौक होता है हमारा इसे निकाला और तीसरे नंबर पे जो हमारा स्लाइड होता है उसे हमने खोला। स्लाइड भी हमें चेक करना होता है, कभी कभी क्या होता है कि स्लाइड घिस जाता है उसके कारण से भी दिक्कत आता है। तो यहाँ से हमने इसका फ्लूड पिन वगैरह खोला और मैन जेट सोलो जेट और इतना काम यानी कि हमने इसमें किया और इतना काम करने के बाद हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दूर हो जाता है कार्बोरेटर के अंदर। जैसे हल्का मिसिंग की समस्या या थोड़ा स्टार्टिंग के प्रॉब्लम या चाल नहीं रुकने की दिक्कत या पेट्रोल ज़्यादा खाने की प्रॉब्लम, तो इन सभी दिक्कत को इतना काम करने के बाद हमारा सॉल्व हो जाता है। तो इसमें जो प्रॉब्लम था ख़ास तौर पे वो प्रॉब्लम यही था कि 20-25 के रफ्तार में जैसे हम RPM देते हैं खींचते हैं तो उस रफ्तार में अप डाउन चाल चलती है और 50-60 की अगर बात करें रफ्तार स्पीड तो उस समय इस तरीके से दिक्कत नहीं करती है। तो चलिए अब हम इसे सेटिंग करते हैं। तो जब भी आपको ट्यूनिंग करना है तो कोई भी कंपनी की बाइक हो सबसे पहले स्टार्ट करके उसका इंजन हीट करना है। अगर आपकी इंजन गर्म है तो हमें गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसका RPM तेज करना है। तो वहाँ से हमने इसका जो स्क्रूप होता है उसे पूरा टाइट कर दिया पर आप RPM देख सकते हैं तकरीबन 30,000 के लमसम अभी गया है जो कि ये 40,000-50,000 पे चले जाना चाहिए। तो अब क्या है दोस्तों कि जैसे हम ट्यूनिंग करते हैं या RPM बढ़ाते हैं तो हमारा तेज़ हो जाना चाहिए, करीब 44.5 इस तरीके से RPM जाना चाहिए, तो उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से जैसे हम इसका मिक्सचर स्क्रू को कम ज़्यादा करते हैं चाल में मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है जो कि हमारा फ़र्क पड़ना चाहिए। तो अब क्या है हमें इसका टैपिट को चेक करना है। तो हमने इसका कवर खोल दिया और चलिए हम टैपिट इसका चेक करते हैं। तो टैपिट दोस्तों हमारा इनलेट वाला जो टैपिट होता है वो टैपिट हमारा टाइट है और एग्जॉस्ट वाला जो टैपिट है वो हमारा लूज है। तो हमें इनलेट वाला टैपिट को सेट करना है
और कभी भी आप अगर टैपिट को सेट करते हैं तो टैपिट सेट करने से पहले हमें इसका टाइमिंग मिलाना होता है, टाइमिंग पिस्टन यानी कि टॉप पे लाना होता है, तभी हम इसका टैपिट को सेट कर सकते हैं और हमारा टैपिट प्रॉपर तरीके से मिलेगा। तो चलिए हम टैपिट सेट करते हैं और फिर दिखाते हैं। तो टैपिट तो गाइज हमने सेटिंग कर दिया, अब यहाँ से हम इसका आरपीएम बढ़ाएंगे। पहले क्या था, जो हम आरपीएम तेज कर रहे थे तो हमारा आरपीएम मतलब बहुत ही हम फुल टाइट कर दिए, फिर भी उस तरीके से रेस नहीं बन रहा था। और अब हम देखते हैं और फिर से इसका जो ट्यूनिंग होगा उसे हम बना करेंगे। अब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसका आरपीएम हो गया और अभी तक ये फुल टाइट भी नहीं हुआ है। और यहाँ मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं पहले हमारा फुल टाइट करने के बाद 30,000 पे जा रहा था 3 पे, और अब जो है हमारा 5 पॉइंट पे चला गया। तो हमें 4 पॉइंट पे रखना है और तब हमें माइलेज को सेट करना है। तो प्रॉपर तरीके से हम दिखाएंगे, वीडियो में ज़रूर बने रहेगा। आज कभी भी इस तरीके से प्रॉब्लम आता है तो हम इसे चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी हमें थोड़ा कम करना है और इसका जो आरपीएम है ये हमें 40 पे रखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो इसका सुई है ये मतलब अप डाउन हो रहा है। तो इसका आरपीएम जो होता है यही प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है, जो कि हमारा चलने में भी बाइक अप डाउन होता है। तो चलिए अब हम इसका माइलेज को ट्यूनिंग को सेट करते हैं। तो यहाँ से हमने उस समय बहुत ही ज़्यादा खोल दिया था, अब हमें इसको सेट करना है। सबसे पहले इसे हम टाइट करेंगे। तो देख सकते हैं अब जो हम टाइट कर रहे हैं इसका रेस भी कम हो चुका है, और पहले क्या था हम कितना भी टाइट कर देते थे मिक्सचर स्क्रू तब पर भी हमारा आरपीएम कम नहीं हो रहा था। और अब आप देख सकते हैं तो यहाँ से हमने आधी चूड़ी करके गिनना है। तो ये हमारा आधा चूड़ी हो गया और ये 2 हो गया और ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। और ये हमारा 8 हो गया। तो अब यहाँ से हमें देखना है हमारा जो आरपीएम है वो कहाँ तक आ रहा है, 4 से ज़्यादा है या कम है। तो अभी हमारा कम है तो इसी पे हमें मतलब सेट करना है। जहाँ पे हमारा सुई एक जगह पे रहता है इसका चाल, तो उसी जगह पे हमें इसे सेटिंग करना है। तो चलिए दोस्तों हम माइलेज को सेट करते हैं और तो यहाँ से गाइस हमें कम ज़्यादा करके नट को देखना है कि हमारा कहाँ मतलब आरपीएम ज़्यादा हो रहा है, तो उसी जगह पे हमें सेट करना है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें 8 चूड़ी पे हो रहा है या 2 चूड़ी पे हो रहा है या 3 चूड़ी पे हो रहा है, ये चीज़ नहीं देखना चाहिए। तो हमारा जो माइलेज सेट हुआ वो 7 चूड़ी पे मतलब 7 चूड़ी हमने लूज किया और यहाँ पर हमारा माइलेज बिल्कुल सेट हो चुका है। और आप देख सकते हैं हमारा जो सुई है वो 5 पे जाके रुका है और पहले क्या था 4 पे था। तो इसी तरीके से हमें माइलेज को सेट करना होता है कि हमारा कहाँ तक आरपीएम ज़्यादा है और कहाँ पे तेल ज़्यादा खाएगा या कम खाएगा और कहाँ चाल एक जैसा है। तो उसी तरीके से हमें माइलेज को सेट करना है। और इसी के साथ अब हमें क्या करना है, जो हमारा आरपीएम स्क्रूप है इसे हमें लूज कर देना है। लूज करके इसका जो हमें आरपीएम रखना है वो यानी कि 1000 पे रखना है एक पॉइंट पे। तो मैं स्क्रीन में भी दिखा देना चाहता हूँ कि एक पॉइंट हमें कहाँ तक रखना है। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों और जो चाल है हमारा आरपीएम वो बिल्कुल एक है। और पहले क्या था अप डाउन सुई हो रहा था, आरपीएम कभी कम कभी ज़्यादा और चलने में भी सोलो चाल में इस तरीके से दिक्कत हो रहा था कि झटके की प्रॉब्लम। तो इसी के साथ गाइज वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।